Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the fifth lecture of nutrigenomics. And the topic of our lecture is role of genes in control of appetite. आज का जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसमें स्टडी करोगे कि जो आपके जीन्स हैं वो किस तरह से आपका ईटिंग बिहेवियर, ईटिंग पैटर्न और इसके अलावा आपके एपिटाइट को कैसे कंट्रोल करें और फिर इसकी वजह से ओबेसिटी कैसे कॉज हो सकती है और आपकी फूड प्रेफरेंसेस, फूड चॉइसेस कैसे अफेक्ट हो सकती हैं बेस्ड ऑन योर जेनेटिक मेकअप. कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर इंक्लूड्स फीटल डेवलपमेंट, ब्रेन एंड न्यूरल इफेक्ट्स, टेस्ट रिसेप्टर्स, बिलीफ एंड एक्सपीरियंसेस इन साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एपिटाइट. सो व्हाट इज एपिटाइट या एपिटाइट और हंगर में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? मैम, जो हम फूड वगैरह खाते हैं वो एपेटाइट होती है और हंगर फीलिंग है, यानी भूख लगना. मैम, जब भी किसी चीज को देखते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है एपेटाइट, किसी भी चीज को देखते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसमें स्टिमुलेट होते हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेशन देती है बॉडी, जिससे हम कहते हैं हंगर. अच्छा, एपिटाइट अच्छा, बेसिकली एपिटाइट जो है इट इज अ डिजायर टू ईट फूड और समटाइम्स इट इज ड्यू टू हंगर. अब इन दोनों में ये डिफरेंस है कि हंगर जो है वो आपका बॉडी का एक फिजिकल स्टिमुलस है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट है. जब आपको बहुत एक्सट्रीम भूख लग रही है दैट इज हंगर. और एपिटाइट जो है वो एक सिर्फ एक डिजायर है. जैसे अगर आप के सामने कोई अपीलिंग फूड रख दिया जाए तो यू विल हैव अ डिजायर टू हैव दैट फूड, उसको हम एपिटाइट कहते हैं. ठीक है, और एपिटाइट जो है वो तब होती है, जरूरी नहीं है कि आपको भूख लग रही हो तो एपिटाइट हो. ठीक है, वो ये हो सकता है कि आप किसी भी फूड को देख के टेम्प्ट हो और आपको एक डिजायर हो टू ईट दैट फूड, दैट इज एपिटाइट. ठीक है, इट इज बेसिकली अ फीलिंग. और इसके अलावा जो हंगर है वो क्यू है फ्रॉम योर बॉडी. ठीक है, वो बॉडी आपको सिग्नल देती है कि यू नीड टू गेट अ फूड और ये बॉडी के रिक्वायरमेंट है. वाइल जो एपिटाइट है इट इज अ क्यू फ्रॉम योर ब्रेन. ठीक है, ब्रेन आपको सिग्नल दे रहा है कि आपको ये सामने रखा हुआ फूड अच्छा लग रहा है तो आप इसको खा लें. ठीक है, और यस यू आर राइट कि ये जो है हार्मोन कंट्रोल करते हैं और उसकी वजह से जो है ये दोनों जो चीजें हैं हंगर और एपिटाइट ये हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं. देन लेट्स टॉक अबाउट द ईटिंग बिहेवियर. अब जो ईटिंग बिहेवियर है, पहले तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको क्या पता है व्हाट इज ईटिंग बिहेवियर. मैम, किसी भी पर्सन के फूड प्रेफरेंस जो होते हैं, जिस तरह अपनी उनकी बॉडी के नीड्स वगैरह के लिहाज से ईटिंग पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट पर्सन के डिफरेंट होते हैं. जैसे अगर हम बात करें किसी एथलीट की और किसी रेसलर पर्सन की, तो उनकी ईटिंग पैटर्न्स डिफरेंट होंगे क्योंकि उनकी फिजिक डिफरेंट होगी, उनकी सोशल इंटरेक्शन डिफरेंट है क्योंकि उनकी सोशल एथलीट जो है वो डिफरेंट लिहाज से और रेसलिंग पर्सन डिफरेंट लिहाज से करेगा सोशल उसका बिहेवियर. और जो उसकी साइकोलॉजी यानी उसका माइंड का भी इंटरेक्शन होगा कि उसे कितने कितना खाना है, उसके लिहाज से उसे कितना वर्कआउट करना है एथलीट ने, उस लिहाज से उनके डिपेंड करता है. इसमें मेंटल सेटिस्फेक्शन तो आ सकती है ना कि किस टाइप का फूड होना चाहिए, लाइक कितना कुक्ड है, किस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन है या पूरे ट्रैक कर रहे हैं. वेरी गुड कायनात, कायनात ने बात की, एक्सीलेंट जी. अजल्फा मैम, ईटिंग बिहेवियर में मतलब कि हम कितना अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करें और कितनी बार करें इन अ डे, या वो और उसकी क्या कंपोजिशन है, वो सब आ जाता है. ठीक है, गुड. ठीक है अस्मा, आपकी भी बात के हर इंडिविजुअल का ईटिंग बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है और वो
डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. तो अगर मैं ईटिंग बिहेवियर को डिफाइन करूँ, बिल्कुल जैसा आप लोगों ने कहा कि ये बेसिकली ईटिंग पैटर्न है. किसी भी इंडिविजुअल का ईटिंग पैटर्न क्या है, उसका फूड इनटेक क्या है, उसकी फूड चॉइसेस क्या हैं, उसका कॉम्पोजिशन इनटेक कितना है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ईटिंग बिहेवियर में आ जाती हैं, और ईटिंग बिहेवियर को जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें आपके पास फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स वो हैं जो आपकी बॉडी पे डिपेंडेंट हैं, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी, बॉडी फंक्शनिंग पे डिपेंडेंट हैं. साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फूड चॉइसेस हैं, वो आपके आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है. सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ते हैं कि जैसे एक इंसान अगर इंडिविजुअल खाना खाएगा और एक इंसान अगर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खाना खाएगा, तो उसके दोनों के इनटेक में डिफरेंस आएगा. तो जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है वो भी इफेक्ट करता है. अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हॉस्टलाइट हैं, ठीक है, उनके ईटिंग बिहेवियर में डिफरेंस होगा एज कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि अपनी फैमिली के साथ प्रॉपर मील इनटेक कर रहे हैं. तो सोशल फैक्टर्स भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं आपके ईटिंग बिहेवियर को. और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वो हैं जेनेटिक फैक्टर्स. तो आपके जो जीन्स हैं वो बेस्ड ऑन द रिसर्चेस ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये आपके ईटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे. और स्पेशली जो आपका मील टाइम है उसको, और क्वांटिटी ऑफ द फूड इनटेक एंड द फूड प्रेफरेंस, ये थ्री डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ये हर इंडिविजुअल के वेरी करते हैं, ठीक है. मतलब मील टाइमिंग्स मीन के कब आपने किसी एक मील को कंज्यूम करना है, कब आपको डिजायर होगी टू हैव दैट मील, वो जेनेटिक के ऊपर डिपेंडेंट होता है. इसके अलावा क्वांटिटी ऑफ द फूड, वो भी आपके जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है. एंड लास्टली फूड प्रेफरेंसेस. फूड प्रेफरेंसेस होती हैं आपकी फूड चॉइसेस, ठीक है. अब एक इंडिविजुअल जो है वो हाई फैट फूड को प्रेफर करेगा, एक इंडिविजुअल जो है वो वेजिटेबल्स को प्रेफर करेगा. तो ये जो प्रेफरेंस है ये भी जेनेटिक्स पे डिपेंडेंट है. तो आज हम इस वाले पार्ट को कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंट जीन्स रोल प्ले कर रहे हैं. So factors which control the food choices includes critical periods in the early life, which is critical periods क्या होते हैं आपके developmental age. और मैंने आप लोगों के साथ discuss की थी कि जो developmental age है वो start होती है from your early infancy to the childhood. तो during the critical periods of your life and child development, it impacts the eating behavior and food preferences, and food choices do not happen overnight. ठीक है. अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जो आपकी फूड प्रेफरेंसेस, फूड चॉइसेस हैं, वो एक दिन में डेवलप नहीं होती हैं. डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग योर क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ लाइफ, वो इसको इफेक्ट करते हैं. एंड बिफोर बर्थ फैक्टर आल्सो इंपैक्ट द चाइल्ड फूड चॉइसेस. फॉर एग्जाम्पल, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन बेनिफिशियल सब्सटेंसेस टू द चाइल्ड. तो बिफोर बर्थ जो फैक्टर्स हैं जो कि मेटरनल न्यूट्रिशन है, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स और टॉक्सिन्स हैं वो भी रोल प्ले करेंगे एक इंडिविजुअल की फूड चॉइसेस को डेवलप करने में या फूड प्रेफरेंसेस को डेवलप करने में, ठीक है. अब फूड प्रेफरेंसेस, अब ये रिसर्च हुई भी है और इसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो फूड प्रेफरेंसेस हैं उसमें टेस्ट और फ्लेवर परसेप्शन जो है ना, वो आपके फूड प्रेफरेंसेस को, फूड चॉइसेस को डिटरमिन करता है. टेस्ट और फ्लेवर परसेप्शन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टेस्ट एंड फ्लेवर परसेप्शन डिटरमिन द फूड प्रेफरेंसेस? अकॉर्डिंग टू कल्चर जो है हमारे टेस्ट और मैम, टेस्ट एक डिफाइंड होता है, फ्लेवर आपको अरोमा या उसकी प्रेजेंटेशन से आपके अंदर डेवलप होता है. अच्छा, टेस्ट जो है वो है जब आपको अपने टेस्ट बड्स पे फील हो, फूड किस फूड के साथ कौन सा टेस्ट एसोसिएटेड है, लाइक स्वीट है, बिटर है या सार है, फ्लेवर है वो प्रेजेंटेशन और उसकी अरोमा से आता है.
नहीं, फ्लेवर जो है वो टेस्ट प्लस अरोमा होता है, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट प्लस अरोमा इज फ्लेवर, ओके ठीक मैम, है? अब टेस्ट टेस्ट जो है वो आपको अपने टेस्ट बड्स के थ्रू, और जो हमारे मेजर टेस्ट हैं, जो इसमें बिटर आ जाता है, स्वीट है, उमामी है और सॉल्ट, ये फोर फ्लेवर्स हैं कि आपको अपने टेस्ट बड्स के थ्रू आप इनको रिकग्नाइज कर सकते हैं, और इसकी बेसिस के ऊपर आपकी फूड चॉइसेस और प्रेफरेंसेस जो हैं वो डिपेंड करेंगी। अब जो ये सेंटेंस है, जो ये रिसर्च है, इसमें ये फाइंड आउट किया गया है कि जो एक इंडिविजुअल के टेस्ट चॉइसेस या सॉरी टेस्ट परसेप्शन जो है, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से स्वीट टेस्ट को परसीव कर रहा है, वो डिटरमिन करेगा उसके फूड चॉइसेस को। और ये जो है वो जेनेटिकली डिपेंडेंट है और जेनेटिकली वेरी करेगा। जैसे मैं स्वीट कुछ मेरे लिए कोई स्वीट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा स्वीट होंगी एज कम्पेयर टू अनदर इंडिविजुअल, उसके लिए वो इतनी स्वीट नहीं होंगी, ठीक है? तो ये चीज कि मैं किस तरह से उस टेस्ट को परसीव कर रही हूँ, ये जेनेटिकली डिपेंडेंट है और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, और इसकी वजह से आपकी फूड चॉइसेस इफेक्ट होंगी, और फिर इसके बाद आपका ईटिंग बिहेवियर ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा, और फूड इंटेक इफेक्ट होगा, और फूड इंटेक में स्पेशली आपका न्यूट्रिएंट और कैलोरिक इंटेक जो है वो इफेक्ट होगा। सो टेस्ट एंड फ्लेवर परसेप्शन डिटरमिन द फूड प्रेफरेंसेस एंड फूड चॉइसेस, देयर बाय डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द ईटिंग बिहेवियर एंड फूड इंटेक, स्पेशली द न्यूट्रिएंट एंड कैलोरिक इंटेक। Then learning about the flavor in food begins in during the early infancy and before birth, which serves as a foundation for continuing development of food preferences across the lifespan. अब ये जो आपका मैंने कहा है कि जेनेटिकली वेरी करेगा आपकी टेस्ट परसेप्शन और फ्लेवर परसेप्शन, तो जो आपका आप लर्न करते हैं अबाउट द फ्लेवर्स, स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ और अर्ली इन्फेंसी तक ये, और ड्यूरिंग योर डेवलपमेंटल फेज ऑफ योर लाइफ ये कंटिन्यू रहता है। आप लर्न करते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के बारे में, और फिर वो जो है उस बेस्ड ऑन द फ्लेवर्स एंड टेस्ट परसेप्शन आपकी फूड चॉइसेस इफेक्ट होंगी, और इसके बाद आपका न्यूट्रिएंट और कैलोरिक इनटेक इफेक्ट होगा। फूड प्रेफरेंस एंड इनटेक इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्वीट एंड बिटर टेस्ट। सो जो ये रिसर्च थी, इसमें कंक्लूड किया गया था कि जो फूड प्रेफरेंसेस हैं वो इफेक्ट हो रही है स्वीट और बिटर टेस्ट से, ठीक है? टोटल टेस्ट जो है वो फोर टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, जिसमें आपके पास स्वीट आता है, बिटर आता है, उमामी टेस्ट है और एक सार टेस्ट है। तो इसमें से सिर्फ स्वीट और बिटर टेस्ट, ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि सिग्निफिकेंटली रिलेटेड हैं विद द फूड प्रेफरेंस एंड फूड चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल हु पजेसेस द एनहांस्ड परसेप्शन ऑफ बिटर टेस्ट टेंड टू अवॉइड सर्टन फूड्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एंड प्रेफरेंस फॉर द स्वीट एंड हाई फैट फूड हैज बीन रिपोर्टेड टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग परसेप्शन ऑफ बिटर टेस्ट, ठीक है? अब एक इंडिविजुअल है, वो उसकी परसेप्शन फॉर द बिटर टेस्ट जो है वो ज्यादा है, यानी वो एक नॉर्मल बिटर फूड को जो है वो ज्यादा परसीव कर रहा है, उसको वो ज्यादा बिटर लग रहा है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो है जिसकी बिटर टेस्ट परसेप्शन ज्यादा होगी, उसकी फूड चॉइसेस इफेक्ट होंगी, और फूड चॉइसेस में स्पेसिफिकली जो सिग्निफिकेंट रिलेशन आया था वो आया था विद द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि वो अवॉइड करेगा वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो कि बिटर टेस्ट करते हैं, और स्पेशली जो लार्जर वेजिटेबल्स जो है वो नॉर्मली एज कम्पेयर टू द फ्रूट्स वो इतने स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है? वो बिटर होते हैं। तो जो ओवरऑल उसके फूड चॉइसेस में जो इफेक्ट आया था, वो आया था कि वो लोग जिनका बिटर परसेप्शन ज्यादा है, वो वेजिटेबल्स का पोर्शन या वेजिटेबल का इंटेक जो है उनका कम था एज कम्पेयर टू दोज जिनका बिटर परसेप्शन जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जो स्वीट और हाई फैट फूड कंजम्पशन है, उनकी प्रेफरेंस जो है वो क्या थी, जिन लोगों का एनहेंस बिटर टेस्ट परसेप्शन था, उनकी प्रेफरेंस जो है वो स्वीट और हाई फैट फूड की तरफ थी,
यानी वो फूड जो कि स्वीट टेस्ट करते हैं और वो फूड जो कि हाई फैट है, जैसे आपके फास्ट फूड हो गया या कोई भी फूड जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, तो उनकी फूड चॉइसेस और फूड प्रेफरेंस में स्वीट और हाई फैट फूड की कंजम्पशन ज्यादा थी। ठीक है, एविडेंस सजेस्ट दैट बिटर टेस्टिंग एबिलिटी मे बी रिलेटेड टू द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, एडिपोसिटी एंड रिस्क फैक्टर्स फॉर द सीवीडी। Variation in the height among the children also suggests that this trait may influence the food selection and impact the growth rate. अच्छा, इसी स्टडी की फाइंडिंग्स में जो है वो ये भी सजेस्ट किया गया कि जो बिटर टेस्टिंग एबिलिटी है वो रिलेटेड है विद द बीएमआई, यानी फूड चॉइसेस इफेक्ट हो रही है, फूड चॉइसेस के बाद आपकी जो बॉडी में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इफेक्ट हो रहे हैं और आपके बॉडी में जो इंडिकेटर्स हैं ऑफ द ओबेसिटी जैसे कि बीएमआई है और एडिपोसिटी है, इसके अलावा रिस्क फैक्टर फॉर दी सीवीडीज, ये तीनों चीजें जो है वो कोरिलेट कर रही हैं विद बिटर टेस्टिंग एबिलिटी। जो बिटर टेस्टिंग एबिलिटी है वो इन तीनों फैक्टर्स को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, इसके अलावा जो हाइट में वेरिएशन है वो भी इफेक्ट करेंगी थी फूड सिलेक्शन को और ग्रोथ रेट को। ठीक है, यानी कि जो बिटर टेस्टिंग एबिलिटी है वो जो है हाइट, क्योंकि बीएमआई जो है वो उसमें हाइट और वेट दोनों का रेशियो होता है, तो स्पेसिफिकली जो हाइट है बिटर टेस्टिंग की वजह से हाइट भी इफेक्ट होती है। क्योंकि मैंने भी पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया कि जो जिन लोगों की बिटर टेस्टिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है वो वेजिटेबल्स कंज्यूम नहीं करते हैं और जो बच्चे और उनकी प्रेफरेंस जो है वो स्वीट और हाई फैट फूड की तरफ चली जाती है, तो ऐसे लोगों के जो है वो बीएमआई भी अफेक्ट होंगे, एडिपोसिटी भी अफेक्ट होगी, हाइट भी अफेक्ट होगी और इसके अलावा रिस्क फैक्टर्स फॉर द सीवीडी भी इंक्रीज होंगे। Bitter taste as well as the preference for the sweet and fat guides the ingestive behaviors. ठीक है, ingestive behaviors क्या होते हैं? Eating behaviors. And it has been linked to the obesity. And these food preferences traits may be in part be genetically determined. ठीक है, अब इन्होंने जो है वो final conclude किया कि जो bitter taste है वो आपके eating behavior पर affect कर रहा है और eating behavior की वजह से ये linked है with the obesity, और हम ये कह सकते हैं कि ये एक factor है जो कि genetically determined होता है और उसकी वजह से obesity होती है। While the perceived sweetness of the food has been shown to be inversely correlated with the BMI. अब इनवर्सली कोरिलेटेड का मीनिंग ये है कि उसका ऑपोजिट इफेक्ट है, अगर जिन लोगों की स्वीट परसेप्शन ज्यादा होगी उनका बीएमआई जो है वो कम होगा। ठीक है, परसीव्ड स्वीटनेस का मीनिंग ये है कि वो स्वीट फूड को ज्यादा स्वीट परसीव करते हैं, तो इसमें जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि उनकी प्रेफरेंस जो है वो वेजिटेबल्स हो जाएंगी या वो फूड हो जाएंगे जिसमें स्वीट कॉन्टेंट कम हो। ठीक है, तो इस तरह से ये बीएमआई को कम करते हैं। In conclusion, the development of food preferences begins at conception and it continues across the lifespan. So, study ki conclusion ye thi ki jo food preferences hain wo start ho jati hain before birth aur phir iske baad throughout your lifespan wo continue rehti hain aur uski wajah se different diseases ho sakte hain aur iske alawa jo specifically sweet aur bitter taste hai wo correlated karta hai with the food preferences aur phir iske baad aage unhone different usko obesity के indicators के साथ correlate किया और evidence दिया कि जो obesity के indicators हैं वो आपके food taste preferences के ऊपर, food taste perception के ऊपर जो है वो dependent है। Genes related to the taste sensitivity and especially vegetable preferences and protein on the other hand were strongly influenced by the genetics. So genetics jo hai wo preference for the vegetables and proteins, ye dono jo hai wo gene dependent hai. ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि वेजिटेबल और प्रोटीन की जो चॉइसेस हैं वो जीन डिपेंडेंट कैसे हैं, आप इसको जस्टिफाई करें, तो आप यही बताओगे कि जो आपके टेस्ट परसेप्शन है वो जेनेटिकली डिटरमाइंड होती है और टेस्ट में
स्वीट और बिटर टेस्ट जो है वो जेनेटिकली डिपेंडेंट है और इसकी वजह से आपकी फूड चॉइसेस जो है वो अफेक्ट होती है. Taste preferences are also known as the innate preferences. ठीक है जी. अब innate preferences का मीनिंग क्या है, अगर मैं इसको लिटरल मीनिंग्स में ब्रेक डाउन करूँ, innate means inborn. ठीक है, तो जो हमारी taste preferences हैं, they are biologically driven towards a specific food and they are also known as the innate preferences. For example, sweet and umami elicit a positive response while bitter and sour elicit a negative response. अब अल्लाह ताला ने आप लोगों के अंदर जो है वो एक natural mechanism रखा है, based on the taste आप उस based on the taste आप एक proper response देते हो. कुछ taste ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप positive response देते हो और कुछ taste ऐसे हैं जिस पर आप नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हो. और ये जो है वो इनबॉर्न होते हैं, बायोलॉजिकली ड्रिवन है. जैसे कि स्वीट और उमामी टेस्ट जो है उस पर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा और बिटर और सॉर के ऊपर जो है वो आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा. जो जो ये रिस्पॉन्स है टूवर्ड्स एनी टाइप ऑफ फूड, ये जो है बायोलॉजिकली ड्रिवन है और इसको हम इनेट प्रेफरेंसेस कहते हैं, ये इनबॉर्न होते हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं टेस्ट बड्स में. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द स्वीट उमामी एंड बिटर टेस्ट परसेप्शन अकर्स और इसमें स्पेसिफिकली सॉल्ट एंड सार परसेप्शन दे डिड नॉट सिग्निफिकेंटली डिफर. ठीक है, जो मैंने इंडिविजुअल वेरिएशन की बात की थी उसमें स्वीट और बिटर टेस्ट परसेप्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, व्हाइल सॉल्ट और सार परसेप्शन जो है वो डिफर नहीं करती है. मतलब उसका हमारे पास कोई जेनेटिक एविडेंस नहीं है कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसकी प्रेफरेंस जो है वो वेरी करेगी. और इसी तरह जो फूड प्रेफरेंसेस और इनटेक हैं वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होती हैं बाय द स्वीट एंड बिटर टेस्ट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि स्वीट, जहाँ पे मैं टेस्ट परसेप्शन की बात कर रही हूँ उसमें स्वीट और बिटर टेस्ट जो हैं ये दो ऐसे टेस्ट हैं जो कि फूड प्रेफरेंसेस को अफेक्ट करें, बाकी टेस्ट जो हैं वो फूड प्रेफरेंसेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. So this is the zoomed in picture of the taste buds. ये bumpy से जो होते हैं white white ये taste buds होते हैं. और अगर हम इनको pictures में देखें, diagram में देखें, तो ये structure है taste buds का. ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को एक information share करने के लिए आप लोगों के साथ add की गई है picture. तो बात करते हैं कि food preferences जो है वो inherited है या learned है. So our food preferences or choices are inherited or learned. आप लोग क्या suggest करते हैं? What do you say about this? मैम दोनों. Both. क्योंकि मैम inherited तो हमारे से more personal. Milk वगैरह आ जाता है. लेकिन जैसे जैसे हम age के साथ growing age हमारी होती है तो हम जो है हमारी फूड प्रेफरेंस लर्न होते हैं. यानी हम अगर एडोलेसेंस और चाइल्डहुड के बेस से बात करें, मोस्टली बच्चे दूध बचपन में पसंद करते होते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी एज फैक्टर वो ग्रोइंग एज में आते हैं कुछ बच्चों को दूध पसंद नहीं रहता, तो वो फिर जाहिर सी बात है फूड पैटर्न्स को लर्न करते हैं, फूड बिहेवियर्स को, कि मुझे ये पसंद है ये चीज़ नहीं पसंद. वेरी गुड. ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ स्टेटमेंट को, वेरी गुड अस्मा कायनात, बिल्कुल बच्चों ये जो है फूड प्रेफरेंसेस ये इसमें दोनों चीजें रोल प्ले करती हैं, आपके इनहेरिटेंस भी, दूसरा आप इसको विद टाइम लर्न करते हैं. ठीक है, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी फूड प्रेफरेंसेस को लर्न कर रहे होते हैं और वो चेंज होती हैं विद एज. ठीक है, और इनहेरिटेंस का तो एविडेंस अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि जो आपकी टेस्ट परसेप्शन है वो इनहेरिटेडली डिफाइन होती है और उसकी बेसिस पे फूड प्रेफरेंसेस भी हो रही हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं वो मॉडिफाइएबल है. मॉडिफाइएबल मीन्स कि हम उनको चेंज कर सकते हैं. So there are different factors which plays role in modifying your taste preferences. जिसमें सबसे पहले आ जाता है repeated exposure.
अगर किसी भी फूड का रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो विद टाइम आप उसको जो है वो बेसिकली आपका ब्रेन जो है ना वो उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर एक्सेप्टेंस और प्रेफरेंस फॉर दैट पर्टिकुलर फूड वो ज्यादा हो जाएगी. तो रिपीटेड एक्सपोजर टू द नॉवेल और डिसलाइक फूड. अच्छा, नॉवेल होता है जो न्यू फूड होते हैं, ठीक है, जो आपने पहले नहीं देखे, पहले नहीं टेस्ट किए हुए, और वो फूड जो कि आप हो सकता है शुरू में डिसलाइक करते हो, बट विद द रिपीटेड एक्सपोजर यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग दैट और उसकी टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप हो जाए. इसके अलावा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ द एनवायरनमेंट इज पॉजिटिव एंड सपोर्टिव तो इट विल प्रमोट द एक्सेप्टेंस ऑफ द फूड्स जो कि आप इनिशियली डिसलाइक कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, ठीक है. So, supportive environment is very important. जैसे आप लोग स्कूल भी यूनिवर्सिटी लाइफ में हो, ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी फूड चॉइसेस का इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, ठीक है. अगर आपका एक फ्रेंड जो है वो बहुत ज्यादा चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहा है और रेगुलर बेसिस पर आप उसको देख रहे हो, उसकी रूटीन है जिसकी उसने चॉकलेट कंज्यूम करनी है, और इनिशियली यू डोंट लाइक चॉकलेट्स, तो विद टाइम एंड विद द एक्सपोजर विद द पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एनवायरमेंट आप भी जो है वो लर्न करोगे, और फिर इसके बाद आप भी अल्टीमेटली आपकी फूड प्रेफरेंस भी डेवलप हो जाएगी फॉर दैट काइंड ऑफ फूड. सो कंक्लूजन इज दैट देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ बायोलॉजिकल टेंडेंसीज एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन द टेस्ट परसेप्शन एंड फूड प्रेफरेंसेस. Food preferences appear to be partially genetically determined, or isme specifically protein foods, fruits or vegetables and desserts jo hai, inki preferences and choice jo hai, wo genetically determined hoti hai. Theek hai? To biological tendencies isme jo hai aapki genetics aa jayegi, environmental influences mein aapki exposure aa jayega और डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे. ये एक फन फैक्ट है, जब हम टेस्ट बर्ड्स की बात कर रहे हैं तो टंग इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट, टेस्ट बर्ड्स आर आल्सो फाउंड ऑन द इनसाइड्स ऑफ द चीक्स, ऑन द लिप्स एंड ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ, इवन अंडर द टंग. सो टेस्ट बर्ड्स जो है वो ओवरऑल आपके माउथ में डिफरेंट प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं अदर देन योर टंग. चीक्स में होते हैं, लिप्स पे होते हैं, माउथ रूफ ऑफ योर माउथ पे प्रेजेंट है. अच्छा, शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ईटिंग बिहेवियर है, अभी हम फूड प्रेफरेंसेस की बात कर रहे थे ईटिंग बिहेवियर में, अब दूसरी जो स्टडी है इसमें मील सिलेक्शन और साइज ऑफ द मील जो है वो भी जेनेटिकली डिपेंडेंट है और जेनेटिक कंट्रोल में है. सो मील क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल. मीन क्वांटिटी जो है उसमें आ जाता है कि एक इंडिविजुअल इनटेक क्या है. फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये है कि कितने टाइम्स पे जो है वो मील कंज्यूम कर रहा है. टाइमिंग जो है वो भी डिटरमिन होती है, जैसे रात का टाइम है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है. तो ये तीनों चीजें जो है ये जेनेटिक कंट्रोल में है और हमारे पास एविडेंस है कि हमारे जीन्स जो है वो इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं. कंट्रोल ऑफ एपेटाइट एंड फूड प्रेफरेंसेस. Brain is a main target for the regulation of appetite and food preferences. How? अगर मैं mechanism explain करूँगी कैसे brain जो है food preferences या choices को affect करेगा, तो when you ingest a nutrient, it will signal a hypothalamus to release different hormones which control the appetite and food preferences. हम जब भी कोई फूड कंज्यूम करते हैं हाइपोथैलेमस जो है वो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है, और फिर वो हॉर्मोन्स जो है आपका एपेटाइट और फूड प्रेफरेंस को कंट्रोल करेंगे. सो जो फोर डिफरेंट हॉर्मोन्स जो कि कंट्रोल कर रहे हैं आपकी ईटिंग बिहेवियर को, इट इंक्लूड्स द ग्रेलिन, लेप्टिन, CCK एंड FTO. ये फोर डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो कि अभी आप इस रिसर्च में इन्होंने इनको डिस्कस किया था कि कैसे जो है ये ईटिंग बिहेवियर को इफेक्ट करेंगे और आपकी फूड चॉइसेस को जो है वो इफेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले ग्रेलिन और लेप्टिन की बात करते हैं. ये दोनों हॉर्मोन्स जो हैं वो हंगर और सेटाइटी में रोल प्ले करते हैं.
अच्छा हंगर क्या है? बेसिकली हंगर जो है वो आपकी बॉडी की तरफ से क्यू है टू ईट फूड, ठीक है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है टू ईट फूड। और सेटाइटी जो है वो रेफर करती है फीलिंग ऑफ फुलनेस को, ठीक है। अब ग्रेलिन जो है वो फीलिंग ऑफ हंगर को जो है वो प्रमोट करता है। जब आप हंग्री होंगे तो आपकी फीलिंग ऑफ हंगर जो है वो ग्रेलिन की वजह से, ग्रेलिन में हंगर में ग्रेलिन लेवल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, ब्रेन ग्रेलिन को रिलीज करता है। जबकि सेटाइटी में लेप्टिन लेवल्स ज्यादा होते हैं, लेप्टिन जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस को प्रमोट करेगा। तो बिफोर ईटिंग आप देख सकते हैं कि स्टमक में ग्रेलिन के लेवल्स जो है वो ज्यादा होते हैं, लेप्टिन के लेवल्स जो है वो कम होते हैं एडिपोज टिश्यू में। और व्हेन वी ईट फूड और इंजेस्ट एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, तो आफ्टर सम टाइम आपके ग्रेलिन के लेवल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हंगर जो है वो कम हो जाएगी और लेप्टिन के लेवल्स जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों हार्मोन्स। हम जब भी हंगर और सेटाइटी की बात करें तो इन दोनों हार्मोन का बैलेंस और इन दोनों का बॉडी में क्या इफेक्ट है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। हंगर रिस्पॉन्स जो है वो फैट सेल्स जो है वो एम्प्टी होते हैं, कोई लेप्टिन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, तो वी आर ईटिंग। और सेटाइटी रिस्पॉन्स में फैट सेल्स फुल हो जाते हैं, लेप्टिन जो है वो रिलीज होता है ब्रेन से एंड वी डोंट ईट। ग्रेलिन जो है वो ग्रेलिन जीन में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 6, एंड इट इज इन्वॉल्व इन प्रोमोटिंग मील इनटेक एंड हंगर, एंड इट हैज बीन एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड बिंज ईटिंग। तो ग्रेलिन जो है वो हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे प्रेजेंट है, वो किससे रिलेटेड है, इट प्रोमोट्स द मील इनटेक एंड हंगर। और अगर मैं बात करूं कि कौन से डिजीजेस के साथ ये रिलेटेड है, इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड बिंज ईटिंग। लेप्टिन और सीसीके की बात करते हैं, लेप्टिन जो है इट प्रमोट्स द सेटाइटी एंड इट वाज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एक्सट्रीम स्नैकिंग बिहेवियर। जिन लोगों के अंदर लेप्टिन लेवल ज्यादा होते हैं उनके अंदर स्नैकिंग का बिहेवियर, स्नैकिंग बिहेवियर मीन्स कि स्पेसिफिकली स्नैकिंग करने की हैबिट जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और अगेन स्नैक जो है वो आप तब कंज्यूम करते हो जब आप हंग्री नहीं हो, ठीक है, मतलब आपको ऐसा भूख नहीं है बट यू आर जस्ट स्नैकिंग ऑन एनीथिंग। और ये डिपेंड करता है, कोई लोग जो है वो जंक फूड के ऊपर स्नैकिंग करते हैं, कुछ लोग जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की स्नैकिंग करते हैं। स्नैकिंग बिहेवियर जो है वो भी वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट स्नैकिंग बिहेवियर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ये वो बिहेवियर है जब आप अदर देन योर मील डिफरेंट स्नैक्स को जो है वो कंज्यूम कर रहे हो। और लेप्टिन जो है वो एसोसिएटेड है विद दी स्नैकिंग बिहेवियर। CCK जो है इट इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द लिपिड्स एंड इट प्रमोट्स द पोस्ट रैपिड पोस्ट पेरेंडियल सेटाइटी। पोस्ट पेरेंडियल जो है इसका मीनिंग ये है कि इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग सेटाइटी को, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस को CCK जो है वो प्रमोट करता है, इन कंट्रास्ट टू द लॉन्ग टर्म एक्शन ऑफ द लेप्टिन। अच्छा, CCK और लेप्टिन दोनों जो है वो सेटाइटी को प्रमोट कर रहे हैं, लेप्टिन जो है उसका लॉन्ग टर्म एक्शन होता है, ठीक है, वो उसका इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है, जबकि CCK जो है उसका इमीडिएट इफेक्ट होता है। और आप देख सकते हैं कि रैपिड पोस्ट पेरेंटल सेटाइटी, यानी कि इमीडिएटली जैसे ही आप खाना खा रहे हैं फॉरन सेटाइटी को ये प्रमोट कर रहा है। अब CCK जीन वेरिएंट्स वर फाउंड टू बी मोर एसोसिएट विद एक्सट्रीम मील साइज, यानी कि जो आपका पोर्शन इनटेक है, फूड का इनटेक जो है वो CCK जीन पे डिपेंडेंट था। ये एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च है, इसमें जो है ना डिस्कस किया गया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेप्टिन्स ऑन बॉडी वेट। वो लोग जो के डिफरेंट वेट लॉस थेरेपीज या रिजीम्स फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि डाइटिंग कर रहे हैं, कुछ डाइटर्स होते हैं, तो लेप्टिन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कोई एक इंडिविजुअल जो है वो डाइट कर रहा है, वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है, तो बॉडी के अंदर जो है उसके लेप्टिन के लेवल्स कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर लेप्टिन के लेवल कम हो जाएंगे, फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो कम होगी,
फूड का इनटेक जो है वो ज्यादा होगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा. ठीक है मैम, मतलब खाना थोड़ा बाहर एक्सरसाइज उससे साथ ज्यादा की जा रहा है. नहीं मैं स्पेसिफिकली मैं डाइटिंग में जो है वो कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन की बात कर रही हूँ. ठीक है, इस स्टडी के अकॉर्डिंग डाइटर्स जो कि स्पेसिफिक कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं या एक्सट्रीम कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करते हैं उनकी बॉडी के अंदर लेप्टिन के लेवल्स जो है वो नेचुरली कम होना शुरू हो जाते हैं और इसकी वजह से डाइटर्स के लिए डाइट करना जो है वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि डाइटर्स बेसिकली कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, फूड इनटेक को कम करने की कोशिश करें लेकिन उनकी बॉडी में जब लेप्टिन के लेवल कम हो जाएंगे तो उनका फूड इनटेक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उन्हें फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिल रही है, उन्हें भूख ज्यादा लग रही है. ठीक है, दोबारा बोलें कायनात, आपकी आवाज कट गई. मैम इंटरमिटेंट फास्टिंग, बिल्कुल ठीक है. डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट्स थी जो कि इसके अंदर स्टडी की गई थी बट स्पेसिफिकली जो जनरलाइज उन्होंने कंक्लूड किया था अपनी स्टडी में वो यही किया था कि जो डाइटर्स हैं उनको जो हार्ड टाइम और डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है अपनी डाइट को कंटिन्यू करने में वो इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर लेप्टिन लेवल्स कम हो रहे होते हैं और उनकी उसकी वजह से फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिल रही होती है, फूड इनटेक जो है वो ज़्यादा हो रहा होता है. तो लेप्टिन ऑल दो जो है लेप्टिन इट हैज अ प्रोफाउंड इफेक्ट व्हेन वी लूज वेट एंड लेवल्स ऑफ द हार्मोन फॉल. ठीक है, व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू लूज वेट और उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर लेप्टिन लेवल्स कम हो रहे हैं दिस विल स्टिमुलेट अ ह्यूज एपेटाइट एंड इंक्रीज फूड इनटेक एंड दिस हार्मोन हेल्प अस टू मेंटेन अ नॉर्मल वेट बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द डाइटर्स इट मेक्स इट हार्ड टू लूज दोज एक्स्ट्रा पाउंड्स. तो नॉर्मल इंडिविजुअल जो कि नॉर्मल अपनी डाइट कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है उनके लिए लेप्टिन जो है वो लेप्टिन का रिलीज होना जो है वो एक अच्छा साइन है क्योंकि उसकी वजह से उनका फूड इनटेक जो है वो बैलेंस्ड रहता है उन्हें जब तक जाहिर है क्योंकि लेप्टिन जो है वो सेटाइटी और फीलिंग ऑफ फुलनेस को प्रमोट कर रहा है तो उसकी वजह से आपका फूड इनटेक जो है वो बैलेंस में रहेगा. लेकिन वो इंडिविजुअल्स जो कि स्पेशल डाइट्स फॉलो कर रहे हैं वेट लूज करने के लिए तो जो उनके फैट सेल्स हैं उसके अंदर लेप्टिन के लेवल्स जो है वो फॉल होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से उनके लिए डाइट को फॉलो करना जो है वो मुश्किल हो जाता है. लास्ट जीन जो था वो हमारा FTO था विच इज फैट मास एंड ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन. ये जो है ये इट इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ एडिपोसाइट प्रोडक्शन ऑफ द लेप्टिन. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद ए रिड्यूस्ड पोस्ट पेरेंटियल सेटाइटी. ठीक है, अब FTO का जो है वो अपोजिट इफेक्ट है विद द लेप्टिन क्योंकि जो अगर बॉडी के अंदर FTO लेवल्स जो है वो ज्यादा होंगे लेप्टिन की प्रोडक्शन जो है वो डाउन रेगुलेट होना शुरू हो जाती है और पोस्ट पेरेंटियल सेटाइटी जो है वो भी कम हो जाती है. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्सेस कैलोरिक इनटेक एंड इट प्लेस द रोल इन कंट्रोल ऑफ फूड इनटेक एंड फूड चॉइसेस और इसमें स्पेशली जो हाइपरफेजिक फिनोटाइप है वो एसोसिएटेड था. हाइपरफेजिक मीन्स हाइपरफेजिया जो है वो उसका मीनिंग है ओवर ईटिंग. ठीक है, एक्सेसिव ईटिंग, एक्सेसिव कैलोरिक इनटेक. तो FTO जो है वो प्रमोट कर रहा है हाइपरफेजिक फिनोटाइप को और फूड प्रेफरेंसेस फॉर द एनर्जी डेंस फूड जो है वो इंक्रीज होंगे. कंक्लूजन इज दैट द जेनेटिक वेरिएशन इन द FTO लेप्टिन CCK एंड ग्रेलिन जीन्स इन्वॉल्वड इन द न्यूरो रेगुलेशन ऑफ द फूड इनटेक एंड दे अपीयर टू कंट्रीब्यूट टू द ओबेसिटी रिस्क बाय इन्फ्लुएंसिंग द सेटाइटी एंड हंगर एंड मे कंट्रीब्यूट टू द इंक्रीज्ड कैलोरिक इनटेक. ठीक है, तो ये जितने भी हॉर्मोन्स हैं ये जीन्स पे डिपेंडेंट हैं, जेनेटिक वेरिएशंस पे डिपेंडेंट हैं और बेस्ड ऑन दीज हॉर्मोन्स ये जो है रिलेटेड है विद द फूड चॉइसेस और स्पेशली आपकी सेटाइटी और हंगर को कंट्रोल कर रहे हैं, कैलोरिक इनटेक को अफेक्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ओबेसिटी का रिस्क जो है उसके साथ भी ये एसोसिएटेड है. ये समरी है. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है जब आप ये डिस्कस करें कि जी कैसे डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हैं और जीन्स जो हैं वो हमारे फूड चॉइसेस को अफेक्ट कर रहे हैं.
तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीसी के जो है उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, यानी कि बॉडी के अंदर उस सीसी के की वजह से क्या चेंजेस आएंगे, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा, और कैसे ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो है कंट्रीब्यूट करेगा टू द ईटिंग बिहेवियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीसी के जो है वो एक्सट्रीम मील साइज को प्रमोट करता है, लेप्टिन जो है वो एक्सट्रीम स्नैकिंग बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है, ग्रेलिन जो है वो बिंज ईटिंग को प्रमोट कर रहा है, FTO जो है इट इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड कैलोरिक इनटेक, यानी कि एनर्जी डेंस और कैलोरिक डेंस फूड चॉइसेस जो हैं वो FTO की वजह से ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी आप लोगों को पता होना चाहिए और ईटिंग बिहेवियर के ऊपर क्या इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा जी, ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन। अच्छा, आप लोग जो है कुछ जीन्स के नेम्स जो है आप लोगों को याद करने जरूरी है, ठीक है, जिसमें से एक ही ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन है। हर इंडिविजुअल के अंदर जो है ये जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर ये जीन जो है वो प्रेजेंट होता है, उसका नाम है TMEM18। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ओबेसिटी, व्हाट इज द नेम ऑफ ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन, तो आप लोग बताओगे TMEM18। इस TMEM18 को जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया है इन ऑर्डर टू स्टडी दी ओबेसिटी, या ओबेसिटी को जब भी हम जेनेटिक्स के साथ रिलेट करते हैं तो उसको देखने के लिए, स्टडी करने के लिए हम TMEM जीन को स्टडी करते हैं, उसके एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं। दिस जीन हैज बीन एसोसिएटेड विद द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ द एपेटाइट, बॉडी वेट रेगुलेशन, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एडिपोसिटी एंड न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंसेस। तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिसर्चेस जो ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन है उसका रिलेशनशिप जो है वो डिफरेंट हमारे ईटिंग बिहेवियर के साथ रिलेट किया गया है। इसमें आपका एपिटाइट कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ एपिटाइट की जब मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं सेटाइटी और हंगर की बात कर रही हूँ। इसके अलावा बॉडी वेट रेगुलेशन, यानी कि आपके BMI के ऊपर या वेट कैसे आपका चेंज हो रहा है, ओबेसिटी एसोसिएटेड जीन को इस लेवल पे भी स्टडी किया गया है। एडिपोसिटी यानी कि जो आपके एडिपोज टिश्यू हैं उनकी एडिपोज सेल की फॉर्मेशन है वो उसके साथ भी एसोसिएटेड है ये जीन, और ये जीन जो है वो आपकी न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंसेस को भी इफेक्ट करता है। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक में जैसे कि कैलोरिक डेंस और एनर्जी डेंस फूड्स जो हैं उनकी प्रेफरेंस के साथ भी ये एसोसिएटेड है, इसका पॉजिटिव रिलेशन है। अर्ली चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करते हैं, इसके लिए जो है वो एक स्टडी कंडक्ट हुई थी और पब्लिश हुई है ये अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में। इसमें ये देखा गया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर की जो न्यूट्रिशन है, फूड चॉइसेस जो है वो हाई फैट फूड कंज्यूम कर रही है एंड फ्यू ग्रेन्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में जो उसके ग्रेन्स हैं वो कम हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, और ये स्टडी जो है वो रैट्स के ऊपर हुई थी, और कैसे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं बेसिकली जो मेटरनल न्यूट्रिशन है वो कैसे चाइल्डहुड ओबेसिटी या लाइफ टाइम ओबेसिटी की तरफ लीड कर रही है, इसको स्टडी किया गया। हाई फैट डाइट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द एडिपोज टिश्यू हार्मोन लेप्टिन, एंड लेप्टिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द फीटल एडिपोज टिश्यू फ्रॉम एज अर्ली एज द 90 डे ऑफ गेस्टेशन इन द फीटस। सो साइंटिफिकली अगर हम देखें, अगर हाई फैट डाइट कंज्यूम की जाए ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, तो जो लेप्टिन के लेवल्स हैं वो ज्यादा हो जाते हैं बॉडी में, और जो लेप्टिन कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है विद एडिपोसिटी एंड ओबेसिटी। सो ये स्टडी की फाइंडिंग्स, ये पिक्चर है बेसिकली, इसमें रैट्स आप देख रहे हैं और ये बॉटल में आप देख सकते हैं कि ये ऑयल ऐड किया गया है हाई फैट डाइट के लिए, और नीचे आप ग्रेन्स देख सकते हैं। तो बेसिकली इन रैट्स को जो है वो हाई फैट डाइट दी गई थी और फ्यू ग्रेन्स जो है वो दिए गए थे, और फिर इसके बाद उसका इफेक्ट देखा था ओबेसिटी के साथ। मैटरनल ओबेसिटी मींस एक्सेसिव फैट मास एंड लो टू लेस NPY। ठीक है, ये NPY आपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। NPY क्या है? न्यूरोपेप्टाइड वाई, और न्यूरोपेप्टाइड वाई जो है ये रिलेट करता है विद द कार्बोहाइड्रेट प्रेफरेंसेस।
तो मेटरनल ओबेसिटी जो है उसकी वजह से एनपीवाई कम हो जाएगा, एनपीवाई कम होगा तो कार्बोहाइड्रेट की प्रेफरेंस कम हो जाएगी, इसके अलावा लेप्टिन की रेजिस्टेंस भी जो है वो ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और अर्ली चाइल्डहुड हो सकता है। ठीक है, लेप्टिन रेजिस्टेंस जो है वो रिलेटेड है विद दी ओवर ईटिंग। लेप्टिन रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था कि लेप्टिन रिसेप्टर जैसे डेफिशिएंसी होती है लेप्टिन रिसेप्टर की, लेप्टिन जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। लेप्टिन रेजिस्टेंस में भी लेप्टिन जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं मिल रही और उसकी वजह से ओवर ईटिंग पैटर्न जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बिफोर बर्थ लेप्टिन कंसेंट्रेशन कोरिलेट्स विद दी फीटल ग्रोथ एंड मे बी एन एंडोक्राइन एंड इट इज ऑल्सो अ मार्कर ऑफ द फीटल साइज, एनर्जी स्टोर्स इन द कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेच्योरेशन ऑफ द फीटल टिश्यूज। तो जो लेप्टिन है वो कोरिलेट किया गया विद द ग्रोथ, फीटल ग्रोथ के साथ, और इसमें स्पेसिफिकली फीटल साइज को देखा गया और इसके अलावा एनर्जी स्टोर्स इन कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेच्योरेशन ऑफ द फीटल टिश्यूज। अब तो एक और स्टडी हुई थी, इसमें मेटरनल अंडर न्यूट्रिशन को देखा गया कि मेटरनल अंडर न्यूट्रिशन जो है उसका क्या इफेक्ट होगा, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे। तो अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हाइपोइंसुलिनेमिया होता है और हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी कि जो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे, वो कम होंगे तो इंसुलिन लेवल्स कम हो जाएंगे। और इसके अलावा इसमें जो आपका एनपीवाई का एक्सप्रेशन है ये ज्यादा हो जाता है। एनपीवाई क्या है? न्यूरोपेप्टाइड वाई, और ये आप लोगों को मैंने बताया था कि ये स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट की प्रेफरेंस के साथ रिलेटेड है। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो कार्बोहाइड्रेट का इनटेक जो है वो प्रेफरेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्लाइड जो है वो आप लोगों को रिवाइज करवाने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूरोपेप्टाइड एंड अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड जो कि आप लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हो, ये मैंने ऐड की थी क्योंकि न्यूरोपेप्टाइड और अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड बोथ ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद ओबेसिटी। हाउ? मैकेनिज्म क्या है? दे स्टिमुलेट द फूड इनटेक विद द प्रेफरेंशियल इफेक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट इनटेक एंड दे इंक्रीज द मोटिवेशन टू ईट एंड डिलेज द सेटाइटी बाय इंक्रीजिंग द मील साइज। दस पीपल ईट टेंड टू ईट लार्ज पोर्शन ऑफ द फूड, increased appetite and less energy expenditure which results in the weight gain and obesity। ठीक है, ये दोनों चीजें जो हैं आप लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, न्यूरोपेप्टाइड वाई की वजह से और अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से ओबिसिटी कॉज होती है। न्यूरोपेप्टाइड वाई जो है वो कार्बोहाइड्रेट की प्रेफरेंस को इंक्रीज करता है, अगूटी रिलेटेड पेप्टाइड जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम करता है और एपिटाइट को ज्यादा करता है, और ये दोनों फैक्टर्स जो है वो वेट गेन कॉज करते हैं और उसकी वजह से ओबिसिटी होती है। नाउ क्वेश्चंस की बात करते हैं। कायनात, आपका कोई क्वेश्चन था? यस मैम, मैंने ये पूछना था कि जो बेबीज होते हैं एवरेज उनकी बर्थ रेट, जो बर्थ का वेट होता है वो ऑलमोस्ट 3.5 kg तक होता है। आप थोड़ा सा लाउड बोलोगे? तो जो जिनका ज्यादा होता है अपन की बात कर रहे हो? एवरेज बर्थ रेट होता है बेबीज का वो 4.5 kg, 3.5 kg तक होता है। और अगर हाँ इससे ज्यादा हम देखते हैं कभी कभार के जो बच्चे मतलब जो पैदा होते हैं बहुत ही ज्यादा हेल्दी लग रहे होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, आर्म्स वगैरह उनके बहुत ज्यादा, तो क्या वो ये इसी के होते हैं, फैट ज्यादा होती है उनकी? फैट कंजम्पशन ज्यादा होने की वजह से लेप्टिन लेवल कंसंट्रेशन जो है ऐसे बच्चों में ज्यादा होती है और उसकी वजह से वो अगर एट बर्थ हैवी बर्थ वेट के साथ जो है बॉर्न अगर होते हैं। वो फिर इस वेट से ज्यादा है तो इसका मतलब ये कि वो हेल्दी नहीं है, ओबीस है। अच्छा, बिल्कुल, बच्चों जो हाई बर्थ वेट है, जो हैवी बर्थ वेट है, उसकी वेट रेंज जो है वो नॉर्मल से ज्यादा होती है। ठीक है, हम क्लासिफाई करते हैं ना, लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, हाई बर्थ वेट हैवी बेबीज होते हैं। तो हाई बर्थ वेट बेबीज के ऑब्वियसली वो नॉर्मल वेट पे नहीं आ रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो हाई बर्थ वेट पे बॉर्न हुए हैं।
ठीक है, तो इसमें से जो एक स्टडी है उसने जो आपको मैंने बताया है वो ये एक्सप्लेन किया है कि जो हाई बर्थ वेट बेबीज होते हैं उनमें लेप्टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है. एक फैक्टर लेप्टिन भी है जिसकी वजह से वो हाई बर्थ वेट में प्रेजेंट होते हैं और बॉर्न होते हैं और फिर उसका आगे चाइल्डहुड अर्ली चाइल्डहुड ओबेसिटी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे बच्चों में. ठीक है, और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. बाकी बच्चों आप लोग इस लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा. मैं आप लोगों के साथ दोनों लेक्चर शेयर कर दूंगी, लेक्चर नंबर 4 भी और 5 भी. रिकॉर्डिंग्स हाँ बिल्कुल, ठीक है. बाकी इंशाल्लाह इस वीक में आप लोगों का LMS हो जाएगा, तो प्लीज आप LMS को जरूर देख लीजिएगा. और जैसे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 5 लेक्चर्स जब पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोगों का एक क्विज ले लूंगी, क्योंकि ईद के बाद आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स के क्विजेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड हैं, तो आई वांट कि मैं न्यूट्रोजिनॉमिक्स का जो है वो पहले ले लूँ. तो इंशाल्लाह फिर कमिंग वीक में प्रॉब्ली मंडे को जो है आप लोगों का फर्स्ट 5 लेक्चर्स का क्विज होगा LMS पे. ठीक है, बाकी इंस्ट्रक्शंस मैं इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ शेयर कर दूंगी, LMS पे भी कर दूंगी, नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे. बट आई एम जस्ट गिविंग यू हेड्स अप कि आप अपनी तैयारी कर लें और जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कर लें. ठीक ओके मैम, थैंक है यू. मैम मंडे या ट्यूसडे? मंडे मंडे. हाँ, क्योंकि मेरे पास 3 सेक्शंस हैं तो मुझे एक दिन में तीनों का लेना है, तो फिर वो हम मंडे को देख लेंगे. ठीक है, मैम, किस वैसे एलिमेंट होगा? LMS पे होगा कोई, आप लोगों का LMS पे होगा. ठीक है, लेक्चर्स मैम में ठीक फाइनल है, भेज जो दूंगी. पैटर्न और सारी डिटेल्स जो हैं वो LMS पे शेयर हो जाएंगी. ठीक है, अभी आप लोग जो है वो अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करें. ठीक है, ऑल राइट, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन नाउ. अल्लाह हाफिज.